से जब गुजारते हैं लाइट हम लोग, जब मतलब क्या अंतर है जब लाइट गुजरती है प्रिज्म से और लाइट गुजरता है किसे, हाँ कांच सांच का से। स्लैब से, दोनों में अंतर क्या है? तो प्रिज्म से जब गुजरती है तो इस प्रकार से होती है, दोनों में अंतर देख लो, थोड़ा सा अंतर दोनों में है। चांस ये गए या प्रिज्म फिर से वही लाइट सीन गुजर समझ रहा है गए और यहाँ पर अपवर्तन की घटना होंगे जी। इस प्रकार से, और लाइट इस प्रकार से चली जाएगी। ये जी किससे गुजर रहा है? प्रिज्म प्रिज्म से, से। ये प्रिज्म है ना। और यही लाइट जब पास करेंगे रेक्टेंगुलर कांच के स्लैब से, यदि पास करते हैं लाइट कांच के स्लैब से लाइट पास करते हैं तो ये विरल, ये सघन, ये फिर विरल, सघन ऐसे लाइट आएंगे। में लंब, यहाँ लंब अभिलंब के खींचोगे ऐसे झुक जाना चाहिए, जाएगी ऐसे जाएगी, ठीक फिर है वो ना, समांतर रहेंगे। ऐसे लाइट जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या खींचोगे? फिर अभिलंब हाँ और लाइट इसके क्या होंगे? समांतर। समांतर। ये आपस में क्या होते हैं लाइट? ये लाइट, ये जो है ये किरण और ये किरण आपस में क्या है, पीछे बढ़ा, पैरेलल दोनों कैसे दिखाई देंगे? समांतर। समांतर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी समांतर रुको रुको रुको, नहीं होती है। यही हुआ, समझ में आ गया ना, यही अंतर है इसमें। पासवर्ड इंसिडेंट मान एंड नहीं रही। इमरजेंट रे आर नॉट पैरेलल, इसमें आपतित किरण, इसमें आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, और निर्गत किरण समांतर नहीं होती है। समांतर नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें आपतित किरण, और निर्गत किरण समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होती है ना। ये अंतर है। यदि क्वेश्चन का भी एग्जाम आता है इसे तो इतना अंदर जाकर नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन, यदि आता है तो लिख सकते हो। क्वेश्चन बनता है इस पर है कि प्रिज्म से लाइट पास करती है और कांच के स्लैब से, दोनों में क्या अंतर है? तो बोलेंगे प्रिज्म में आपतित निर्गत किरण समांतर नहीं होती है, लेकिन इसमें होती, यही अंतर है। आप फोटो तुम्हें बना देना, 3-4 नंबर में आएंगे नाम से, 2-4 लाइन बढ़ा के लिख देना, बात लिखा हुआ है ना, इसलिए हम लैंग्वेज में क्वेश्चन हुआ कि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म से और कांच से जब लाइट गुजरती है बताइए दोनों में क्या अंतर है। लिख दीजिए हम क्वेश्चन। प्रिज्म से तथा आयताकार कांच से, आयताकार स्लैब से, कांच के आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश गुजरता है तो दोनों में क्या अंतर है? समझ में आ गया ना, दोनों में क्या अंतर है? तो बोलेंगे जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसमें आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर होती है, लेकिन जब यही कांच से गुजरेगी आयताकार कांच से तो आप समांतर है। समांतर होती है, इसमें नहीं होती है। अब दोनों फोटो बना देना, बस नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं, और आज पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 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 डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग चर्चा करते हैं। पहले डायग्राम देख लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब होता है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना। देखो सूर्य प्रकाश में पहले से होता है 7 रंग, है ना, सूर्य प्रकाश में क्या है पहले से? 7 रंग, 7 रंग पहले, 7 कलर है। प्रिज्म का काम सिर्फ इतना ही है दिखाना, वो सिर्फ 7 रंगों को अलग अलग करके दिखा देती है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म से गुजारते हैं तब बनता है 7 रंग, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या होती है? पहले से 7 रंग होती है। ये प्रिज्म है, इससे क्या हो रही है? लाइट इससे गुजर रही है, दिख रहा है ना सबको, इससे लाइट गुजर रही है। सूर्य के प्रकाश में पहले से ही 7 रंग होता है, विद्यमान है। 7 कलर का, 7 कलर होते हैं जो सिर्फ दिखते हैं, और भी होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, है ना। तो वो सब नहीं पढ़ना हमको, हमको सिर्फ यही 7 रे के बारे में मोटा मोटी जानकारी लेना है, उतना जानकारी नहीं लेना है इसके बारे में भी। तो ये सूर्य का लाइट मान लो इधर से आ रही है, या कोई दुधिया बल्ब है उससे लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश ले लो,
या कोई दुधिया बल्ब होंगे हाई इंटेंसिटी का, उसका लाइट लो। कमज़ोर बल्ब लोगे ना तो उसमें सात प्रकाश किसी में नहीं होती है, इसलिए दुधिया बल्ब कहा जाता है, यानी कि जो उजला व्हाइट कलर के होते हैं लाइट्स बल्ब वो, या सूर्य का लाइट। जैसे हम लोग सूर्य का लाइट ही लेकर हमारे सिलेबस में दिया है ना पढ़ने के लिए, सूर्य का लाइट के बारे में दिया है, बल्ब तर लेकर नहीं करना, क्योंकि बल्ब में बहुत कुछ नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सूर्य को प्रकाश को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन अराइज किया जाता है, जब भी प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य प्रकाश में सात कलर के अलावा भी और भी कई प्रकार के ग्रह होते हैं, अल्ट्रावायलेट भी और भी सब पाए जाते हैं। तो ऐसे सूर्य के प्रकाश आ रही है, तो अभी जैसे सूर्य का प्रकाश है इसमें सात कलर विद्यमान, कितने कलर हैं, सात कलर हैं, जो है भीवगैर जो कहते हो पढ़ाएंगे, भीवगैर क्या होती है, सात कलर विद्यमान जो अभी दिख रहा है ना, ये देखो ये सात ललका है, ये सब कलर है ना, ये सब क्या कलर है, ये सात गो ये विद्यमान होती है सूर्य में पहले से, ये सात कलर। प्रिज्म का काम सिर्फ इतना ही है कि सात रंगों को अलग कर देते हैं, सिर्फ इतना ही प्रिज्म का काम है। और जब वो सात कलर मिल जाते हैं तो उजला प्रकाश दिखता है। अभी उजला प्रकाश दिखता है ना, उजला कब दिखता है, जब सातों क्या होंगे आपस में मिल जाएंगे, तो कंबाइंड इफेक्ट उसका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन एक्चुअली में वो सात कलर अलग अलग रंग के होती है। बात समझ में आ गया ना। काला कोई रंग नहीं होता है सूर्य प्रकाश में, काला कोई कलर नहीं होता। ब्लैक कोई रंग होते हैं, कुछ भी नहीं, ब्लैक कोई कलर नहीं है। कई बार आए हैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में काला कोई रंग है, क्या सूर्य प्रकाश में काला रंग होते हैं, नहीं होते हैं काला रंग। बात समझ में आ गया ना। उजला होंगे नहीं होंगे, उजला कब होते हैं, वो तो सब मिलकर तब सब मिल जाएगा ना आपस में, तब उजला दिखते हैं। स्पेशली जब प्रिंस गुजारते हैं तो उजला दिखता कलर कोई नहीं है। ऐसे तो सोचेगा तो रंग है तो होबे करेगा ना, लेकिन नहीं होता है ना, मिलने के बाद जो इफेक्ट होते हैं वो उजला कलर है। ऐसे स्प्लिट करेंगे प्रिंस गुजारोगे तो जो कलर मिलती है, आगे हम बताएंगे कौन कौन कलर मिलती है। समझ में इतना बात है ना। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जब एक प्रिंस से गुजरती है, श्वेत प्रकाश या प्रकाश, तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, मतलब जिससे मिलकर के वो बना है, जिस अवयवी रंग मतलब क्या हो, जिससे मिलकर के वो बना है, उसमें क्या होंगे, विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये जो वर्ण मतलब होता है रंग, पहले के ज़माना में कहता था रामायण महाभारत में तुम्हारा क्या वर्ण है, सवर्ण है, ये वर्ण है वो, वर्ण मतलब होता है रंग से, यहाँ पर वर्ण मतलब क्या होंगे, रंग। प्रकाश का वर्ण भी से मतलब प्रकाश का अपने रंगों में टूटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण मतलब कलर होती है, प्रकाश का वर्ण से मतलब क्या होंगे, प्रकाश का अपने रंगों में टूटना ही क्या होती है, या विभक्त होना या दिखाई देना, उसी को कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। जब श्वेत प्रकाश के सात रंगों में टूट देने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्वेत प्रकाश का तुम्हारे कॉपी में जो फेयर में लिखवाए उसमें पैराग्राफ करके बहुत कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ उतना चीज़ हम नहीं लिख पाएंगे, मेन मेन बात लिख देते हैं, लेकिन समझाएंगे उससे ज़्यादा। श्वेत प्रकाश के सात रंगों में टूट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, लिखे है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो लाइट अब गुजारते हैं प्रिज्म से और देखते हैं कि ऐसा ही इमेज मिलेगा हमको, है ना, ऐसा ही इमेज हमको मिलेगा। बात हो गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बहुत कुछ आगे जितना भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, यदि ये बढ़िया समझ में आ गया, आगे चार पाँच पे सात पे जो भी दिया हुआ है बहुत कुछ क्वेश्चन इधर उधर वाला सुनते हो ना, तारे कंटिन्यू आते हैं, अलाय बलाय फलना चिलना, जितना भी सुनते हो क्वेश्चन आती है, कतराक सेना लाल क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी पर बता देते हैं प्रिज्म से ही, इसीलिए प्रिज्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये समझ में आ गया तो अभी समझ में आ गया। और एक हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म ले लेते हैं और उसे लाइट पास करवाने चाहते हैं। कल भी थोड़ा सा बच गया था ना, आज भी बच गया। पी इसको एम क्यू आर बन गया। पी क्यू आर एक क्या है, प्रिज्म है। कल जो प्रिज्म पढ़ाए थे वही प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म नहीं है ना।
अब फ्रिज में है, अब इससे क्या होंगे, लाइट पास करेगी जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लाइट पास करेंगे और इसमें कैसी घटना होती है उस घटना को देखेंगे, है ना। लाइट इसमें हमारे बुक में अच्छा इमेज दिया है, ये सब इमेज है ना, ठीक है। CBSE वाला किताब देता है NCERT में बढ़िया, CBSE वाला जब किताब पढ़ोगे ना, अगली बार CBSE वाला भी था नेक्ट हो तो उसके बुक में अच्छा डायग्राम उससे पढ़ाते थे। चलो तो हम लोग लाइट भेजते हैं, मान लेते हैं कि श्वेत प्रकाश है प्रिज्म पर जाएगी तो वही घटना होगा, कल जो घटना हुआ था ना एक्चुअली में वहाँ भी 7 प्रकाश थे, जो कि कल अलग टॉपिक था इसलिए 7 कलर वहाँ पर लोग दिखाए नहीं थे, लेकिन वहाँ भी 7 कलर में कल भी टूटा था, नहीं कि कल नहीं टूटा था, जब भी प्रकाश गुजरेगी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश 7 रंग विभक्त हो जाती है। तो कल हम लोग कौन टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रकाश का क्या था कल, कहाँ था, प्रिज्म से अगर अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन कराए थे, पास करवाए थे, अपवर्तन सिर्फ पड़े थे, कल भी टूट रहा था 7 अपने रंगों में, ऐसा नहीं कि कहीं सोचता कि कोई सोचता उसमें इसमें टूटता, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी प्रिज्म से पास करेगा 7 रंगों में क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे, टूटना लेकिन ठीक बात नहीं है, विभक्त होना अच्छी है बात कहना, अलग अलग दिखते हैं ऐसे को, टूटना लंबे थोड़ा सा हजम नहीं होता है, टूट मतलब ब्रेक हो गया सारा ठीक हो जाता है, अलग अलग हो जाती है, विभक्त हो जाती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है, स्प्लिट हो जाती है, ऐसे वर्ड यूज करो। तो यहाँ से भेजते हैं सूरज भगवान का लाइट भेजते हैं, जय हो सूरज भगवान, सूरज भगवान ऐसे जिधर तीर है उधर लाइट भेजा गया है, और अपना ये श्वेत प्रकाश है ना, ये श्वेत प्रकाश है, वाइट लाइट है, सनलाइट और बल्ब लाइट इसमें जो भेजेंगे, इसमें से हम लोग सनलाइट सूर्य का प्रकाश या हम लोग बल्ब लाइट, है ना, दोनों में से कोई भी लाइट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ए बीम ऑफ वाइट लाइट, एक किरण को लेते हैं और उसको फिर पढ़ते हैं, मतलब ए बीम ऑफ लाइट कई सारे इसमें रह गए हैं। अब देखो यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से जैसे जैसे ये विरल माध्यम है ना, ये हवा है ना, और ये कांच है, और इधर भी क्या है, हवा है, इधर भी हवा है, जैसे ही श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा उसी वक्त उस 7 कलर में टूट जाता है एट ए टाइम, ठीक है ना, कांच में प्रवेश करते ही, इन्हें कि कोई कहते निकलने के बाद, अरे निकलने के बाद नहीं, कांच में प्रवेश करते हैं कि 7 कलर में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन कर जाएंगे, वो दिखने लगेगा तुमको। इसीलिए जादूगर भी बहुत सारा देखते हैं कि वो प्रिज्म से प्रकाश गुजारेगा, कहेगा देखिए कि हम जादू किए हैं, वो तो खुद होगा, वो तो प्रॉपर्टी है लाइट्स का, रंग बिरंगा देखेगा ना, ठीक है, देखिए एक कलर से कितना कलर हम बना दिए, उसके पास अलग अलग प्रकार लेजर लाइट होता है, पढ़ाएंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखो, अब यहाँ से एक्चुअली में हकीकत में लाइट को जाना चाहिए कैसे, इसी प्रकार सीधे जाना चाहिए क्या, जाना चाहिए ना इसे, लेकिन ये ऐसे तो जाना नहीं देगा प्रिज में, जाने देगा ऐसे नहीं देगा, ऐसे जाने, लेकिन ऐसे जाती नहीं है, कोई चीज़ को डार्क ऐसे दिखाते हो डार्क लाइन से, मतलब वो एग्जिस्टेंस उसका है, वो लाइन है, कोई चीज़ को दिखाते डॉट्स मतलब वो नहीं है, कल्पना मैंने किया, ये अंतर होती है इस लाइन में और इस लाइन में, ऐसे नहीं जाएंगी लाइट, इसलिए मैंने दिखाया, ऐसे जाती लेकिन जाएगी नहीं, समझ में आ गया ना, ऐसे जाती लेकिन जाएगी नहीं। अब देखो, ऐसे सूर्य के प्रकाश जब जाएगी तो प्रिज्म से ऐसे है ना 7 रंगों में टूटेगी, ऐसे ऐसे आई, पहला कलर सबसे ऊपर कौन होता है, अभी भी रेड होता है ना, रेड का तो मेरे पास उतना कलर नहीं है कि हम तुमको सब कलर दिखाएंगे, तो यहाँ से 7 कलर दिखाओ, कितना हुआ, 4, 5, 6 समझ ना, 7 हुआ है ना, 7। ये एक्चुअली में इतना अच्छे से मतलब कंप्यूटर्स होते हैं बनाए हुए कि उतना ऐसा वहाँ से नहीं बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, देख रहे हो ना, मेरे गुजर रहा है ना विमल हमारा ना, यहाँ से तो तुम भी ऐसे करके बनाना, शुरू में थोड़ा धने देते लगभग खींचे देते ऐसे भी, ऐसे करके बनाना, एक ही जगह से निकलेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे 7 कलर में टूट जाएंगे, तो समझ रहे हो तो ठीक है, हाथ है तो हाथ से तो इसी प्रकार से बनेंगे ना, ऐसी लाइट आ रही है और इसमें 7 कलर में क्या होंगे, टूट जाएंगे, ये कैसे कलर सबका कलर एक एक कलम दिखा, लेकिन एक्चुअली एक कलम होता वो नहीं है, देख रहे हो तुम्हारे बुक में टीम दिया है ना फोटो, है ना, इसमें भी सब ठीक से नहीं दिखाया है, इस पर 7 कलर दिखाना ठीक नहीं है,
तो कुछ यहाँ देखो मेरे पास जो डायग्राम है, देखो यहाँ सात कलर दिख रहा है इसमें सबको, है ना सात कलर, इसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, ऐसे होती है सात कलर, पता है ना सबको सात कलर कौन कौन होता है, वही है। तो चलो तो यहाँ से फिर ये क्या होंगे, आप फ्रिज में गया बिरल से कहाँ, फैन लाइन नहीं है क्या, लगा लो उसको, लाइन होगा उसको, लगाया कहाँ, तो वारंटी वाला था वैसे, हाँ साइड वाला में उसमें चलता है थोड़े, साइड वाला में उसमें भी नहीं, किनारा वाला में, हाँ अब पकड़ा तू, अब लाइन नहीं है, रहने दो। देखो इसमें जैसे कि सब डायग्राम व्यवस्था करके भेज देते हैं पहले से ना, उस डायग्राम में दिखाते हैं और फिर पढ़ते हैं। देखो इस डायग्राम में हो रही है व्यवस्था, किया था तो हम पहले से इसको, कौन है ना ये देखो, देखो सात कलर दिख रहा है इसमें, ये सात गो रंग है, ललका है, फिर वो रंग है, ये सब रंग कलर है, सात गो रंग, ये उजरा प्रकाश जा रहा है ना फ्रिज से, यहाँ जैसे इंटर किया तो यहाँ से यहाँ सात कलर दिख रहा है ना, देखो इधर सात कलर दिख रहा है ना, ऐसे ही होती है बात, समझ में आ गया ना। और भी है, रहने दो उसको, इसमें देखो ये सात कलर दिख रहा है, देखो इस प्रकार से होती है, समझ में आया, ये क्या है व्हाइट लाइट सात प्रकाश में इसी प्रकार से टूटी रहती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखो तो ये और उससे अच्छा इमेज, सब इमेज खुद खुद रहता है, सब इमेज का अलग अलग खासियत है। ये व्हाइट लाइट गया है, व्हाइट लाइट आया ना, उजरा प्रकाश, उजरा प्रकाश आया और देखो यहाँ से सात कलर में क्या हुआ, टूट गया, ये एक्चुअली इमेज बढ़िया से है, विभक्त हो गया। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी जो यहाँ बनाए गए हैं ना फोटो, इसी फोटो को बनाए गए हैं। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे डायग्राम पड़ेगा जो, अच्छा तो जैसे कल पढ़े थे प्रकाश अपवर्तन प्रिज्म से पढ़े थे, अपवर्तन मतलब आर पार, प्रवर्तन मतलब लौट जाना, अपवर्तन मतलब पार हो जाना। तो प्रकाश बिरल से सघन जाएगा तो अविलंब तुरंत झुका, और फिर सघन किधर जाएगा, अविलंब से क्या होंगे, दूर है ना, जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लड़के से जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, यहाँ खींचोगे ना इसे अविलंब, तो अविलंब से, ये अविलंब है तो इसे दूर भागेगा ना कलर डायग्राम से, तो ये कुछ ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे ये, समझ में आ गया ना। तो सब कलर को हम दिखा देते हैं, छः गो क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात गो तो है, छो कैसे बोला तुम, डिब्बा का ना मैन होगा, कौन डिब्बा का, अरे लाइन का मैन है, डिब्बा का मैन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यही तो पूरा सटिए गया जी, हटाओ इसको थोड़ा सा, हाँ हाथ से तो होबे करेगा ना, तू कापी से बनाना थोड़ा हटा हटा करके, ठीक है ना, और नहीं तो एगो काम बताते हैं, जाके प्रिंट निकलवा लेना, तेरा मशीन है ना घर में कापी में, उसको चिपका देना, निकाल लेगा ना प्रिंट आउट रंगीन में, अपने मशीन उधर मटरा जाएगा, इधर निकाल लेना, लगेगा कि चोरा के निकाल लेना, हाथे छाप लेंगे, हाथे छाप लोगे कैसे, अभी तक तो ह्यूमन आई का फिगर बनाया है ईमानदारी से बोलो तो, हमने बनाया नहीं, बनाओगे अगले पर लड़का ने बनाया था, उस सब बनने में ना बुझता आधा घंटा टाइम लगेगा, उसमें नहीं है बनाया, हम छोड़ दिए, किस में, कॉपी तो में नहीं था, में तुमने थीम नहीं बना हुआ है, थीम में है, तो फिर मोबाइल बुक में भी, मोबाइल में भेजे हैं, टेलीग्राम जोड़े हैं तुमको, उस मोबाइल में देख सकते हो, सब कुछ लिख लिया, फिगर थोड़ा नहीं बनाया, बढ़िया किए हो आप, फिगर आज बना लिए, तो हम तो तरीका पता है, निकालवा लो इसी को जा करके कंप्यूटर से अथी करके चिपका देना उसी पर, ये नहीं निकालेगा तो आँख में तनिक ज्यादा है, ज्यादा है उसको निकलवा लो, छाप अच्छा रहता है, पैसा थोड़ा लग जाएगा लेकिन यहाँ तो खैर पैसा रहता है, पटना में 4 से 5 रुपया रंगीन में निकाल देता है बढ़िया से, 2 रुपया लगता है प्रिंट का, प्रिंट निकलवाओगे 2 रुपया लेता है वहाँ पर, जीरोक्स करा प्रिंट करो, बतवा बराबर प्रिंट में फायदा होता है जीरोक्स से बढ़िया, जीरोक्स नहीं करवाते हैं क्योंकि जीरोक्स में तो अच्छा कलर नहीं आता ना, प्रिंट में अच्छा आती है और 2 रुपया लगता ही है, आराम से निकाल लिए, ये प्रिंट निकाला हुआ ही है दिख रहा है ना, ये जीरोक्स कराया हुआ नहीं इसीलिए नहीं मिटता है जल्दी जल्दी, मिटेगा ये जीरोक्स कलर का क्या होती है, ये प्रिंटेड कापी है, ये 2 रुपये दोनों साइड का 1 रुपया दोनों साइड मिला के, 1 रुपया हाँ प्रिंट, चलो ठीक है 100 पेज छपवाएंगे ना इससे, यदि पीडीएफ 100 पेज है तो लेगा 50 रुपया प्रिंट का, चलो आगे 50 पैसा पेज वहाँ चलता है, चलो ठीक है। हाँ तो कलर हम लोग देखेंगे तो ये कितने कलर यहाँ होंगे, यहाँ पर ये 7 कलर होंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 7 कलर तब देते हैं दिखाई जब हम लोग यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम एक पर्दा होती है, व्हाइट स्क्रीन होगा उजला, जो देखते हो ना फिल्म चलाने, फिल्म चलाने उजला पर्दा लगाता है ना, तो वही उजला पर्दा क्या करेंगे यहाँ पर
इसके सामने में कहीं भी यहाँ पर कहीं भी रख दो, तो हम यहाँ मान लेते हैं एक उजरा पर्दा, क्या करते हैं हम लोग उजरा पर्दा हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन रखो, ये क्या है, ये एक वाइट स्क्रीन है, ये एक क्या है, ये एक वाइट स्क्रीन है, इस प्रकार से है। तो यहाँ जब उजरा पर्दा पर रखते हो उजरा पर्दा पर, तो इस प्रकार से लाइट आती है यहाँ पर, दिखा दो इसको, है ना, इस प्रकार से लाइट आती है। तो इसमें जो है ना ये होता है VIBI, है ना, VIBGYOR। अभी सब बारे में पढ़ेंगे, इसे भीगोर कहेंगे, यानी कि अभी सब का नाम लिख देते हैं, है ना। इस प्रकार से कलर में क्या होती है, लाइट होती है। सबसे ऊपर रहेगा रेड और सबसे नीचा रहेगा वायलेट, यानी कि बैंगनी कलर सबसे नीचा रहता। अब उसको लिखते हैं, इसमें जो होंगे श्वेत प्रकाश, है ना, श्वेत प्रकाश सात रंगों का सम्मिश्रण होता है। प्रिज्म सिर्फ उन सात रंगों क्या करती है, अलग अलग दर्शाती है, वे रंग हैं फलना। तो श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, बैटरी सर्वर में ले लिया, चार्ज है खुद को बैटरी, जब ज़्यादा चार्ज खत्म होता है इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पर सेकंड ज़्यादा होंगे खुद को बैटरी सर्वर में ले लेते हैं। श्वेत प्रकाश सात रंगों का सम्मिश्रण है, सात रंगों का सम्मिश्रण होती है, होती है। प्रिज्म सिर्फ प्रिज्म सिर्फ उन सात रंगों को आपके सामने लाती है, उन सात रंगों को अलग अलग दर्शाती है। गर्मी भी लग रहा है आज, कुछ गर्मी कम है लेकिन नहीं है कल के अपेक्षा, मौसम ठीक है। अलग अलग दर्शाती है, वे रंग हैं, वे रंग हैं। चलो नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ नहीं लिखेंगे, जगह नहीं लिखना, जो चीज़ लिखना चाहते हैं उसका जगह यहाँ पर कम है। वे रंग हैं, वे रंग हैं भीबगोर, VIBG, गलत कर दिया मैंने, पहले क्या लिखेंगे R, उसके बाद है ओ, तो क्या है G, B, G के बाद B, I, B, ऐसे हैं VIBGYOR। इसको हिंदी वाला ट्रिक है, वो बैजानी पिलाला होंगे, बैजानी है ना, हिंदी वाला यहाँ से शुरू होगा, हिंदी वाला कहेंगे बैजानी पिलाला, है ना। तो सीधा करके बोलो तो क्या होंगे, ये भीबगोर होंगे, नहीं होंगे VIBGYOR, भीबगोर होंगे इंग्लिश में। हिंदी में क्या होंगे, इसी को बैजानी पिलाला, इस प्रकार से होंगे इंग्लिश में और इस प्रकार से होंगे हिंदी में। इसका यदि पूछे नाम तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हो, रेड कहते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर से रेड, यानी कि हिंदी में क्या होगा, ये लाल, ये होंगे ऑरेंज, ORAN, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या हो गया, ये नारंगी। ना इंग्लिश और हिंदी तुमको दोनों में होना चाहिए, क्योंकि कई बार ओ का रोए कर अनुस्वर जो, समझ रहे हो ना, और तू जब वन मीनिंग नहीं याद किए तीसरे लिख देते हैं नारंगी, नहीं कहके ओ का ऑरेंज कलर कहाँ होता है रेड के बाद, कि उसको कह देगा इस प्रकार से, इसीलिए ज़रूरी है दोनों जानने के लिए। इसको कह देंगे येल्लो, YELLOW, मतलब क्या हो गया, पीला, पीला हो गया,
ये हो गया ग्रीन, हरा है ना, ये हो गया ब्लू, उसके बाद ब्लू है ना, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू का क्या होता है नीला, आकाश कैसा दिखता है नीला, आई इंडिगो, इधर कर सके बैठो तुम, इधर चले जाओ, नहीं तो हवा थोड़ा सा कम आने दो, इधर थोड़ा सा कर दो, हाँ अब रहने दो, जितना चाहिए हमको उतना आ रहा है, बाकी हवा खराबी करता है, पन्ना वगैरह डिस्टर्ब करता है ना, तो इसको बोलो क्या होंगे, इंडिगो होंगे, ब्लू के बाद क्या होंगे, आई एन डी आई जी ओ, पेड़ को खोलना मत, रहने देना, उसी में रखे हो ना, कि खोल हटा दिए हो, अभी काम पड़ेगा, हाँ रहने दो, इंटरवला सब तुरंत खोल के भगा देता है, रहने दो उसी को लगल ही, क्योंकि जब तक एक जैसे वो पेज पर आ रहे हैं, तरीका क्या है, जब तक ये पेज खत्म नहीं होगा तब तक उसका काम लग सकता है, ये नियम है, ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे तब मुझे उसका काम में लगेगा, जैन लिखने के लिए कोई चीज़, जब तक ये खत्म नहीं होता है तो उसमें फिर किसी चीज़ का घोट लिख सकते हैं हम, ये बात होती है, एक कदम आ रहा है एक कदम पीछा, हाँ ये बात होती है, इंडिगो इंडिगो क्या कहते हो, नीला के बाद जामुनी, जामुनी क्योंकि इसको हम ड्रेस में पढ़ाते हैं इस चीज़ को, उसके बाद वायलेट, बैंगनी याद रहेगा ना, बै जा नी पिनाला भीब गैर, इंग्लिश जना होना चाहिए, सबसे नीचे कौन होता है बैंगनी, सबसे ऊपर में लाल, इस प्रकार से याद रखना, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, और सबके देखो पहला अक्षर बै जा नी ह पी ना लाल, इसीलिए बै जा नी पिनाला करते हैं, तो बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल, और इंग्लिश वाला है पहला अक्षर सबका भी, देखो सब है ना पहला अक्षर, सबका पहला अक्षर है, तो भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, यू आई से येल्लो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं याद करने के लिए, ताकि तुमको क्रम नहीं गड़बड़ाए, ऐसे कोनो रंग पहले बोल दो, ऐसे जनरल लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा, फ्रिज में हमेशा जब भी क्वेश्चन आते हैं पहला बोलो सबसे ऊपर कौन होती है लाल, लाल ये सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर, ये सबसे क्या होते हैं ऊपर, और बोलो वायलेट सबसे क्या होते हैं सबसे नीचा, सबसे क्या होंगे नीचा, पहला क्वेश्चन होंगे, सबसे ऊपर कौन होंगे रेड, और सबसे नीचा कौन होंगे बैगनी, अच्छा बताओ कहेगा कि ग्रीन के बाद कौन होंगे ब्लू, हरका के बाद कौन है नीला, हरा से पहले पीला, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कमीशन में आ जाते हैं, ऐसे तुम लोग को नहीं पूछेगा, ये आएंगे तो इस प्रकार टिक लगा देना है ना, बहुत चर्चा करते हैं इस पर, वैसे तो तुम लोग को उतना जरूरी नहीं है और सिलेबस भी नहीं है, उसके बाद क्या बताएं इसमें विचलन, वो पेट लाओ विचलन, कल वाला है प्रोजेक्ट हो फ्रिज में फोटो बनाए थे लाए हो, हाँ लाओ उसको, अब देखो ये फ्रिज में है और इसमें विचलन कोण क्या होती है हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, फ्रिज में है ऐसे प्रकाश आई और ऐसे प्रकाश चली गई, तो ये निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओ, क्या करो निर्गत किरण को पीछे मिलाएंगे और आपतित किरण को आगे बढ़ाओ, जहाँ दोनों कटता है ना वहाँ जो एंगल बनती है दोनों लाइन को विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन, समझ में आ गया ना, कहेंगे आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण, क्या बोलेंगे डिफिनेशन इसका, आपतित किरण की मूल पथ और निर्गत किरण के बीच बने कौन विचलन कोण कहते हैं, कोई ना दिक्कत, डिफिनेशन कहेगा तो कह दोगे विचलन कोण है, अब यहाँ पर क्या हुई है, ये विचलन कोण है और ये तू समझते हो अच्छे तरीके से, अब यहाँ पर क्या घटना घटती है, यहाँ फटा इसका काम नहीं है, अब यहाँ पर क्या होंगे, अब देखो ये आपतित किरण है और यहाँ निर्गत किरण सात किरण में सब बांटी गई है, तो सबके पीछे यदि इसको पीछे बढ़ाते हो, इसको पीछे बढ़ाओ, इसका विचलन कोण ये होगा, ध्यान समझना, इसको पीछे बढ़ाओ इसका विचलन कोण ये होगा, अच्छा इसको पीछे बढ़ाएगा इसका विचलन कोण ये होंगे, यानी कौन विचलन कोण सबसे अधिक किसका होगा, निचला वाला का, सबसे कम किसका होगा ऊपर वाला का, इतना बात समझ में आ गया, पीछे बढ़ाने पर कौन इसलिए बढ़ाओगे ना, ये कम होंगे और धीरे धीरे लाइन धीरे धीरे क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, तो बताओ सबसे अधिक विचलन कौन किसका होगा, बैगनी का, और सबसे कम लाल का है ना, अच्छा सबसे अधिक कौन मुरा है, अच्छा उनको शांत रहो हटाओ उसको, एक स्टेप पर लिखो उसको फिर आगे बढ़ेंगे, लिखते जाएंगे साथ में, तो क्वेश्चन कहेगा कि विचलन कौन सबसे अधिक किसका होंगे, क्या बोलोगे बैगनी का, बैगनी का विचलन कौन सबसे क्या होगा अधिक, अधिक होगा है ना,
बैगनी का, इसीलिए जगह यहाँ पर मैंने उसको छोड़ा है। तो विचलन कौन सबसे अधिक, विचलन कौन सबसे अधिक, सबसे अधिक, और इसका क्या होंगे रेड का, विचलन कौन सबसे कम, विचलन कौन सबसे कम, कोनो दिक्कत? अभी जितना बात लिखेंगे ना, एक चीज बताओ हमको, ऊपर से नीचा आते हैं तो विचलन कौन बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते हैं। हाँ। ऐसा हो रहे हैं ना जी, यानी कि ऊपर से नीचा आने विचलन कौन क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो डायग्राम फिर से बना देंगे, ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है, विचलन कौन बढ़ेंगे, वेवलेंथ बताना है, तरंग दैर्ध्य बताएंगे। चलो फिर गड़बड़ हो गया, पता नहीं कहे गड़बड़ कर देते हैं, बात नहीं याद रहता ऊपर से, लेकिन नीचे से आर ओ वाई जी बी आई और भी, आई और क्या होते हैं भी, ये वाला बात होते हैं। इसमें जो होती है बातें, इसमें जो बातें होती हैं वो किस प्रकार की होती है, थोड़ा सा जानकारी देते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, सात रंगों से, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन ये बात किसने बताया था, है ना, सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था, नोट में लिखो इसको, है ना, ये बात सर्वप्रथम की न्यूटन साहब एक्सपेरिमेंट किए थे, सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि सूर्य प्रकाश, तुम्हारे एग्जाम में संभावना नहीं है पूछने का, फिर भी पूछेंगे तो लगा देना। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है, समझ में आ गया ना, सनलाइट कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं, सात रंगों से। ये जो अभी पढ़े हो भीव गोयर, इससे ऊपर भी होते हैं कुछ सिरे, यदि सूर्य का प्रकाश लिए हो तो, लेकिन वो आँख से दिखते नहीं है, वो इनविजिबल होते हैं, इससे क्या होते हैं, ऊपर भी होते हैं। इससे यदि ऊपर बात करेंगे तो इससे ऊपर होता है इन्फ्रारेड वेव, इससे ऊपर क्या होते हैं, इन्फ्रारेड वेव। तुमको मात्र एक ही जानना है, और हिंदी में इसको कहते हो अवरक्त किरण, तुम्हारे सिलेबस इतना तक ही, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अपने लेवल में रह कर आदमी पढ़ना चाहिए ना। अवरक्त तरंगे कौन से ऊपर, ललका से ऊपर कौन तरंग होता है, अवरक्त तरंग, और बैगनी से नीचा होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज। बोलो कोनो दिक्कत, यूवी रेज नहीं पुराने देंगे, बोल दीजिए नहीं रटेगा। हाँ तो इन्फ्रारेड के ऊपर है माइक्रोवेव, और उसके बाद होता है रेडियो वेव, इन्फ्रारेड के ऊपर, इसके ऊपर तीन गो होता है इन्फ्रारेड, उससे ऊपर माइक्रो, और उससे ऊपर रेडियो, रेडियो यानी कि रेडियो तरंग, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग है जो दिखता उखता नहीं है, और इसके नीचे होता है तीन गो, एक अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स रे और गामा रे, समझ में आ गया ना, ये बात होती है। तो हम अवरक्त तरंगे सिर्फ लिखेंगे, यूवी यानी कि पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है इसके नीचे। क्वेश्चन आता है कि रेड कलर से ऊपर कौन होंगे, अवरक्त किरण, वायलेट कलर से नीचे कौन होंगे, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरण क्या होती है, थोड़ा मोरा दिया देंगे, जैसे उनका नहीं लेना है इसके बारे में। अच्छा, तो इतना बात समझ में आ गया ना, तो इसमें अभी काफ़ी चीज़ हम लोग ड्राइंग करेंगे, है ना, तब तो कंपटीशनल लेवल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हैं, मैट्रिक पर आ रहे हैं ना, ये बात को भूलना नहीं चाहिए, और मैट्रिक में 10 पेपर होते हैं, एक पेपर कमीशन नहीं है कि इसमें से महारथी हासिल बनाने जाती हमको। अब देखो इसमें क्या होती है कि विवर्तन, न्यूनतम विवर्तन, विचलन विवर्तन कहा, ठीक है, और विवर्तन सा चीज़ होती है, विचलन दूसरी चीज़ होती है। तो हम लोग क्या देखे हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, विचलन कौन क्या होती है, बढ़े यहीं लिख दीजिए, है ना, लाइन खींच करके एरो देकर इसमें सब बात लिखेंगे, इसलिए वहाँ छोड़ दिया, देने लिखा,
वेतन कौन सबसे कम? ऊपर से नीचा आते हो, ऊपर से क्या आएंगे? नीचा। तो विचलन कौन क्या होंगे? कम, बढ़ जाएगी। ऊपर से नीचा विचलन कौन? तीर लगा हुआ है ना, तो क्या होती है? बढ़ती है। तीर को मतलब समझ जाओगे, विचलन कौन सबसे क्या है? कम है। विचलन सबसे क्या है? इसका सबसे क्या है? अधिक है। ये विचलन कौन हुआ? विचलन कौन? इधर से इधर क्या हो रही है? बढ़ रही है। नीचा से ऊपर क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। यहाँ लिख देते हैं बढ़ते क्रम। और ध्यान देना, तीर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जिधर तीर है उधर बढ़ रहा है। विचलन कौन कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में। मतलब बढ़ते क्रम सबसे छोटा क्या होती है? सबसे पहले, सबसे बड़का को सबसे अंतिम, बढ़ते क्रम में होगी। अब बताओ कि सबसे अधिक अपवर्तन, अपवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश कौन जितना अधिक मुड़ता है, ऐसे दुख बात देखो, प्रकाश का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो बताओ उसमें सबसे अधिक कौन मुड़ा है? बैगनी। मतलब सबसे अधिक अपवर्तन किसका होगा? बैगनी कलर का होगा ना। और सबसे कम कौन मुड़ा है? लाल का। एक बात ये भी है, जिसका विचलन विचलन कौन ज्यादा होती है ना, वो ज्यादा मुड़ा है। और जिसका विचलन कौन कम, मतलब वो कम मुड़ा है। बोलो, इस प्रकार बात होती है ना। तो अपवर्तन बोलेंगे तो सबसे कम अपवर्तन किसका? रेड का। और सबसे अधिक अपवर्तन किसका? बैगनी का। तो अपवर्तन नौ। अब चलो यहाँ से, यानी कि रेड का अपवर्तन सबसे क्या होते हैं? कम होते हैं। विचलन कौन? अप विचलन कौन कम अपवर्तन, इसीलिए जगह छोड़ने लिखे थे वहाँ पर। विचलन कौन कम अपवर्तन सबसे क्या होंगे? कम होंगे। और इसका विचलन कौन, और कौन चीज़ बात करो, इसका अपवर्तन, अपवर्तन सबसे क्या होंगे? अधिक होंगे, सबसे अधिक होंगे। कि समझ में आ गया ना। अच्छा, ऊपर नीचा आओगे, ऊपर से नीचा आओगे तो अपवर्तन, कौन चीज़? अपवर्तन। अपवर्तन तो सबसे अधिक अपवर्तन किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? देख रहे हो फोटो में, अपवर्तन रेड कलर का अपवर्तन सबसे क्या होंगे? कम। बैगनी का अपवर्तन सबसे क्या होंगे? कम, सबसे अधिक। अपवर्तन मतलब प्रकाश से क्या होता है? मुड़ना। यानी कि जब प्रकाश तीर से गुजरती है तो जो जितना अधिक मुड़ा है, मतलब उसका अपवर्तन उतना क्या है? अधिक है। समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। तो रेड कलर का अपवर्तन क्या होंगे? सबसे कम है ना। रेड कलर का देखो विचलन कौन, एक 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 नीचे हम लिख देते हैं ताकि तुमको पता चले क्रम क्या चल रहा है। विचलन कौन, यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे सबसे अधिक, ताकि तुमको पढ़ने में तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं हो। यहाँ भी अपवर्तन क्या लिखेंगे? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, कम नहीं सबसे कम। और यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है ना। सबसे क्या होंगे? अधिक होंगे। यानी कि ऊपर से नीचे आते हो तो धीरे धीरे अपवर्तन क्या होती है? बढ़ती है। अब बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? बढ़ते क्रम में। समझ में आ गया ना, बढ़ते क्रम में ये बात होती है। समझ में आ गया ना। अच्छा, ऊर्जा का काम पड़ेगा, ऊर्जा का नहीं करेगा, अब प्रकीर्णन का काम पड़ेगा। अब देखो सबसे बात आती है कि इसमें कि प्रकीर्णन किसका होगा। प्रकीर्णन तो अभी पढ़ाई नहीं है, है? इसमें जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, थोड़ा सा समझो वेवलेंथ को। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। मान लो एक एक जैसे कि वेवलेंथ, वेव होती क्या है? नदी शांत तालाब, उसमें पत्थर मारो, ऐसे ऐसे शेप मिलता है जी। वही वेव है, जैसे सांप चलता है ना, वही क्या होती है? वही तरंग। माध्यम को डिस्टर्ब करना, किसी शांत माध्यम क्या करना? डिस्टर्ब करते हो ना, उसी से वेव जनरेट होता है। क्या तस्से पैदा होगा? उसी को तरंग कहते हो। तरंग क्या है? माध्यम में डिस्टर्बेंस, अवरोध, अवरोध पैदा करना, उसी से वेव जनरेट होती है। शांत तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो वेव जनरेट होगा। तो कुछ इस प्रकार की वो वेव होती है। कुछ किस प्रकार से होती है वेव? कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक है ना, और
वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो एक वेव कहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से, जैसे कि इधर वेवलेंथ बारे में होंगे, है ना, वेवलेंथ के बारे में, उसको क्रेस्ट कहा जाता है, गर्त कहा जाता है ना, वेवलेंथ। कौन चैप्टर है ये, साउंड है, आगे होंगे वेव, ये वेव है ना, इसको कहा जाता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा ना, इसको क्या कहा जाता है, श्रिंग, हिंदी में लिख देते हैं इसको, ऊपर वाला को है ना, ऊपर वाला मठौता को, नीचे वाला मठौता को, इसको श्रिंग कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गर्त, इसको श्रिंग कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको नीचा वाला को, नीचा वाला को गर्त कहा जाता है। एक वेव की लेंथ को कहा जाता है वेव लेंथ, जैसे कि डिफिनेशन कहा जाता है एक्चुअली में, जैसे यहाँ से यहाँ एक वेव हुआ है ना, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, एक वेव हुआ, तो यहाँ से यहाँ दूरी वेव लेंथ कहते हो, लेकिन डिफिनेशन जो कहते हैं एक ही बात हुआ कि ये सिरिंग है, एक सिरिंग और एक गर्त, नहीं ना, एक सिरिंग है और नहीं ना, सिरिंग ना क्रेस्ट, क्रेस्ट के दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, दो क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हुआ ना, ये क्रेस्ट, इधर भी यहाँ क्रेस्ट होंगे, तो दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ लिखा है ना, लिखा होगा डिफिनेशन, नहीं लिखा वेवलेंथ का, नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, यही होती है, यहाँ से शुरू किया है क्रेस्ट, यहाँ तक आया है, और ट्रफ हम फिर बात करने कहाँ जाएंगे ट्रफ। वैसे भी एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है, जैसे जिसको वेव यहाँ चलना शुरू किया, सुनो वेव कहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया वेव, यहाँ से पहुँच करके कहाँ गया, यहाँ पर, ये पूरा पूरी एक वेवलेंथ हो गया, हमने बताया, हमने देखो, हमने इतना यहाँ से आगे खींचा गया, इतना फिर आगे खींचेंगे, तो बात तो ही हुआ, ये परिभाषा हुआ, किधर ही परिभाषा, दो क्रेस्ट के वेवलेंथ को किस किससे करते हो, इसका इसका नाम क्या है, लैम्ब्डा, इसको क्या पर हो गए, लोयकार लैम्ब्डा, मब संयुक्त द्वार लैम्ब्डा पढ़ा जाता है, लैम्ब्डा लैम्ब्डा है, लेकिन लैम्ब्डा होती है, बोल रहा हूँ लैम्ब्डा, इसे लैम्ब्डा 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 कहा जाता है ना। तो दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को, दो श्रृंग के बीच के दूरी को क्या कहते हो, ये क्रेस्ट हुआ, और ये भी क्या होंगे, श्रृंग, उसी को वेवलेंथ कहते हैं, या एक वेव की लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, दो गर्त के बीच की दूरी को उसको वेवलेंथ कह, उसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं, दो गर्त के बीच की दूरी भी, दो गर्त होंगे, ये गर्त यहाँ, ये गर्त यहाँ होंगे ना, इन्हें वेवलेंथ क्रस्ट है, नहीं इसका ट्रफ होता है, ट्रफ कहते हो, क्या कहते हो इसको, हिंदी वाला नाम भूल जाता है, ठीक है ना, है ना। विचलन कौन सा सुधी किसका होगा, लड़का का, सबसे कम विचलन, सबसे अधिक इसका, तो ठीक है समझ में आएगा तुमको, तो अपवर्तन सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का, और सबसे अधिक अपवर्तन बैंगनी का, ठीक है ना। अच्छा अब क्या पढ़ने वाले थे, वेवलेंथ, तो जिसका अपवर्तन कम हुआ है ना, उसका वेवलेंथ अधिक होता है, उल्टा भंग, जैसे जिसका अपवर्तन, तो वेवलेंथ बता रहे हैं, तो वेवलेंथ अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, ललका वाला का, ललका वाला का वेवलेंथ क्या होगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य है ना, यहाँ पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा किस कलर का, ललका कलर का, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, कौन तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य किस कलर का होगा, रेड कलर का। देखो इसके अपवर्तन जिसका जितना कम, यानी कि उतना उसका वेवलेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे, दोनों उल्टा संबंध है। सबसे अधिक वेवलेंथ किस कलर का होता है, सबसे अधिक वेवलेंथ रेड कलर का, क्यों, विचलन कौन सबसे अपवर्तन कम, सबसे क्या हुआ है, कम हुआ है, और सबसे अधिक किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग बैंगनी का, तो इसका इसका न्यूनतम क्या होंगे, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है ना, ध्यान रहेगा ना, यानी कि आप बताओ धीरे धीरे आएंगे नीचे क्या होंगे, ऊपर मैक्सिमम और नीचे क्या होंगे मिनिमम, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घटती है, घटती है, समझ में आ गया ना, या उल्टा बोलो नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ती है, कैसे लिखें, घटती वाला लिखेंगे, बढ़ती वाला लिखें, घटती है लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते लिख दिए, तीर जिधर मारेंगे उधर बढ़ते, तो नीचा दे देंगे तब घटती है, यहाँ अधिकतम है ना, चलो इधर सब तीर रखें, चलो इधर रखें, घटती है, तो ऊपर अधिकतम नीचा क्या है, न्यूनतम, तो ये कौन क्रम में हो गया, घटते क्रम में, घटते क्रम में, कौन क्रम में हुआ ये, घटते क्रम में, धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, और ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नीचा से ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ गया ना,
अधिकतम तरंग दैर्ध्य रेड कलर का, तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बैंगनी कलर का। उल्टा होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक यानी उसका ऊर्जा उतना कम। समझ में आ गया ना, ऊर्जा में कैसा संबंध है? एनर्जी, एनर्जी वेवलेंथ, एनर्जी नहीं, एनर्जी छोड़ दो, प्रकीर्णन समझ लो। एनर्जी सबका कोई जरूरत नहीं, ज्यादा जानकारी खराब ही करता है। उम्र नहीं हुआ अभी। अब देखो प्रकीर्णन एक होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है मार्ग में बिखर जाना। प्रकीर्णन मतलब क्या होती है? मार्ग में बिखरना ही, प्रकाश का मार्ग में बिखरना है, छितरना ही, फैलना ही प्रकाश का क्या कहता है? प्रकीर्णन कहलाता। आगे पढ़ाएंगे स्केटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जिसका वेवलेंथ अधिक है ना, लंबा वेवलेंथ मतलब लंबा लंबा डिग, वेवलेंथ मतलब क्या होगा? लंबा लंबा डिग। क्या लंबा लंबा डिग आदमी जल्दी फंसेगा रास्ता में, तुरंत निकल जाएगा। एक बच्चे को भेजो खेत, एक बूढ़ा आदमी को भेजो, मतलब जो ज्यादा उम्र है, बड़े आदमी को, युवा को, किसका डिग बड़ा होगा? जवान का। हाँ, उसका डिग क्या बड़ा होगा? यानी कि उसका प्रकीर्णन कम होंगे, उसका रुकावट मार्ग में कम होंगे। अब बचाते को छटका कुछ भी आ जाएंगे तो कहेगा कैसे अब जाएंगे, एरो आ जाएगा तो नहीं टप पाएगा। ये होती है ना इस प्रकार से। तो उसी प्रकार याद रखना कि रेड कलर का क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होते हैं? वेवलेंथ अधिक होंगे। वेवलेंथ अधिक होंगे तो स्केटिंग ऑफ लाइट्स क्या होंगे, प्रकीर्णन उसका कम होंगे, है ना। यानी कि इसका होगा न्यूनतम प्रकीर्णन। इधर कम वाला लिखना है, अधिक वाला है। तो रेड कलर के सामने हम लिख देते हैं कौन चीज़, न्यूनतम, न्यून न्यून न्यूनतम प्रकीर्णन। फैन बंद करवा देंगे, इधर आकर बैठो, तब काफ़ी हिला रहा है मेरा, देख रहे हो ना। फैन तब बंद करवा देंगे, उछल कूद करवाएगा तो। न्यूनतम प्रकीर्णन, न्यूनतम प्रकीर्णन, और इसका प्रकीर्णन क्या होंगे? अधिकतम, अधिकतम या सबसे अधिक, अधिकतम क्या होंगे? अधिकतम प्रकीर्णन। और इसका न्यूनतम प्रकीर्णन यानी कि ऊपर से नीचे आते हो तो प्रकीर्णन क्या होंगे? अधिक होगा। बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? बढ़ते क्रम। अरे अधिक, अधिक है तो बढ़ते क्रम होगा ना जी। अधिक होंगे तो क्या होंगे? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। बोलो समझ में आ गया ना? है किसको दिक्कत इस टेबल में है, इतना अधिक नहीं पढ़ना चाहिए मेट्रिक लेवल में? है पढ़ना चाहिए, पढ़ाता है कौन, पढ़ाता है बताओ। अब सबको एक लाइन में, एक लाइन में दे देते हैं, समझ में आ गया ना। ललका वाला के जो है, ललका वाला का सुनो, ललका वाला का विचलन कौन, कौन कौन विचलन कौन, विचलन कौन, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद प्रकीर्णन, प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में अधिक है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इतना ही रखो तुम्हारे लेवल में, ज्यादा जितना है पढ़ना है ना, सबसे क्या होंगे इतना ही काफी है, सबसे कम होंगे। अभी पढ़ा ना एक लाइन में, लड़का वाला के विचलन कौन सबसे क्या होंगे, पर अपवर्तन सबसे क्या होंगे, प्रकीर्णन सबसे क्या होंगे, सबसे कम होगा इसका, ठीक है ना। और लड़का वाला बात क्या पढ़ा, बैगनी का है ना, बैगनी है ना, बैगनी का, बैगनी का क्या होते हैं विचलन कौन सबसे अधिक, उसके बाद कौन सबसे अधिक, बोलो नहीं सिर्फ सुनो, विचलन कौन, उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन के बाद क्या है प्रकीर्णन, इसका कम जिसका सबसे क्या होंगे सबसे अधिक। बोलो कुछ किसी को कुछ पूछना भी इसमें है, कंफ्यूजन भी इसमें है, ये वाला बात हो गए, टाइम भी पकड़ के खींच लिया कि वो पर्थी में हम सोचे थे ढेर कुछ पढ़ाएंगे, तो ये वाला बात होती है ना। तो इसमें यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं, ये चीज़ लिखा दिए हैं ताकि भविष्य में कम देगा तुमको। ललका वाला विचलन कौन, अपवर्तन प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी वाला का विचलन अपवर्तन प्रकीर्णन सबसे अधिक, ये तीनों बात, ऊपर लड़का वाला का अधिक, तीनों बात नीचे लड़का वाला का सबसे कम, मतलब इसका कम इसका अधिक। हटाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, जब नेक्स्ट पेज लाओ, ख़त्म हुआ ये टॉपिक, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मेरा क्वेश्चन हो गया इससे। हाँ एक दिन बोले थे पढ़ाने ना, इतना ऐड कर लेंगे अपना दूगो रेडमी एम आई वाला। अच्छा खूब बढ़िया से पढ़े थे वो दिन, उसके बाद देखे जो नहीं किए तुम सारे, अभी कल दिमाग से पढ़े।
विक्षेपण का है ना, विक्षेपण का मुख्य कारण विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण क्या होती है, भिन्न भिन्न सब का अपवर्तन कोण है ना, यानी कि विचलन कोण क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी कारण से विभिन्न रंगों क्या होती है, अलग हो जाती है, यही मेन कारण होती है की का विक्षेपण का, प्रकाश का विक्षेपण का। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, और ये सब बात मैंने पढ़ा दिया है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होती है, वही स्पेक्ट्रम था वो जो इस प्रकार का फोटो बनाए थे ना, वो ब्लैक पेज में सब लिख लेना, स्पेक्ट्रम पर्दा था ना पर्दा, उसी पर्दा को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, उसी पर्दा क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। पेज लाओ, कहाँ है पेज, वो पर्दा वाला लगले है, इसी पर्दा को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इसी पर्दा को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम। तो सुनो, स्पेक्ट्रम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर सात रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम। ये जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण हुआ ना यहाँ पर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ ना, मतलब प्रकाश का डिस्पर्सन मतलब प्रकाश के सात अभिरंगों में टूट जाने घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं हम लोग। ये जब घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें देखो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जब प्रकाश सात रंगों में क्या होंगे, टूटेंगे, उसके फलस्वरूप पर्दा पर, ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा, ये क्या है, ये पर्दा है, ये पर्दा है ना, ये पर्दा है, तो इस पर्दा पर सात रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस पर्दा जो है ना, ये पर्दा पर जो सात रंगों का रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ है, सात रंगों क्या प्राप्त हुआ है, रंगीन पट्टी, जो पट्टी कुछ इस प्रकार से पट्टी, ये पट्टी देख रहे हो ना, ये जो पट्टी प्राप्त हुआ है रंगीन पट्टी, ये रंगीन पट्टी, ये पर्दा को व्हाइट स्क्रीन को स्पेक्ट्रम नहीं कहा जाता है, उस पर्दा पर जो रंगीन पट्टी प्राप्त किया गया है, रंगीन पट्टी सात कलर का, उस पट्टी का नाम स्पेक्ट्रम है, रंगीन पट्टी है ना ये, इसका क्या नाम देंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, वर्ण कुछ नाम दोगे ना, कहेंगे इसका नाम स्पेक्ट्रम है या इसका नाम वर्णपट है, बोलो क्लियर हो गया ना। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण फलस्वरूप पर्दा पर सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट पर प्राप्त रंगों का क्रम इस प्रकार है कि वही वाला क्रम है जो मैंने कहा, वर्णपट दो प्रकार का होता है, ये सब बात लिखेंगे नहीं तो खुद से लिखने का प्रयास करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ये पट्टी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। शुद्ध वर्णपट किताबें सब पढ़ता लोग का, नोट्स बना लेना पूरा, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के कुछ कुछ खुद से देंगे काम करने के लिए, यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक पूरा लिख लेना, यहाँ तक लिख लेना, सब चीज़ लिखने वाला ही है, हो सकता है अगले बार लिखा भी नहीं होगा, नहीं भी लिखा होगा, कोई जरूरी नहीं लिखा ही होगा। पट्टी दो प्रकार, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध वर्णपट क्या होती है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं, शुद्ध वर्णपट का है, इसमें देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है सब कलर। वह पट्टी, वह स्पेक्ट्रम जिस पर जितना भी रंग प्राप्त हुआ है सब बढ़िया से दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे, उसको बोलेंगे शुद्ध वर्णपट। आइए इसमें नहीं देखा दिखाया, उसमें क्या बोलेंगे, इसमें ओवरलैप कर जाएंगे। वह वर्णपट जिस पर एक रंग दूसरे के ऊपर क्या होंगे, आच्छादित मतलब ओवरलैप हो जाते हैं, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। इतना लिख लोगे, लेने जरूरत पड़ेगा हमको, लिख लेना ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम बताएंगे, नहीं लिखेंगे तब कैसी चला देंगे, यानी कि सिलेबस इतना। स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के मुख्य कारण काउज ऑफ स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हुआ है, हालांकि बता दिए हैं, अब उसका क्वेश्चन आंसर सुन लो, स्पेक्ट्रम ये मिला क्यों हमको, सुनो। विभिन्न रंगों का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग, अभी पढ़ा है। सब रंगों का वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग, अच्छा अलग अलग होता है। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले का वेवलेंथ सबसे क्या होंगे, कम। देखो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है उसका वेवलेंथ सबसे क्या है, कम है, और कम तरंग वेवलेंथ सबसे अधिक। देखो लिखा है यहाँ पर सब बात, अच्छा ये होती है, समझ में आ गया ना। भिन्न भिन्न प्रकाश तरंगों का प्रकाश, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, एक जैसा तरंग दैर्ध्य सबका नहीं है, यानी कि सब लंबा लंबा, कोई बड़ा डेग, कोई छोटा डेग, कोई मीडियम डेग, सबका डेग का लेंथ सबका क्या है, अलग अलग है ना। मान लो, हाँ मान लो सात को आदमी है, सबका अलग अलग होगा, मान लो सात आदमी सबका डेग का लंबाई सेम होंगे, उसी को डेग जितना लंबा होगा उसी लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। एक वेव की लेंथ को वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं, एक डेग की लेंथ को डेग लेंथ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक वेव की लेंथ क्या बोलेंगे, वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य। वो जो सात को आदमी है सबका डेग का लंबाई अलग अलग होंगे, तो वो फ्रिज में जो चलेंगे तो सब अलग अलग चाल से चलेंगे, चलबे करेगा ना जी, कोई छोटा डेग, कोई बड़ा डेग है, छोटका डेग वाला जो छोटका डेग है धीरे धीरे चलेगा, वो बड़का डेग वाला जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, कुछ इस प्रकार से होती है, समझ में आ रहा है ना। तो स्पेक्ट्रम क्यों मिला,
कि हमको पता है विभिन्न रंगों का प्रकाश का तरंग धैर्य क्या होंगे, अलग अलग सबका तरंग धैर्य विचलन क्या होंगे, अलग अलग होते हैं और विचलन सबका क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अधिकतम तरंग धैर्य वाला विचलन सबसे क्या होंगे, कम, और न्यूनतम तरंग विचलन सबसे क्या होंगे, अधिक होंगे। इसलिए टेबल बनाए थे, इतना कह के अभी इस चीज़ बिना स्केप किए हुए हो सकता था कम, है ना। भिन्न भिन्न तरंग धैर्य का प्रकाश, अलग अलग वेवलेंथ का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, क्योंकि डेग सबका छोट बोर है ना, तो सब क्या होंगे, अलग अलग चाल से चलेगा, जिससे प्रकाश का विचलन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। विचलन कौन से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तथा वर्ण विक्षेपण घटित होता है इसी कारण से क्या होंगे, सीधा एक लाइन बोलेंगे आंसर। तो प्रकाश जो है उसका वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग, अलग अलग वेवलेंथ के होने से विचलन कोण क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग एंगल पर सब डेविएट होंगे, तो आराम से स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे। सेम एंगल पर सब पड़ता तो क्या स्पेक्ट्रम मिलते नहीं, सबका विचलन कोण क्या है, अलग अलग है, इसीलिए स्पेक्ट्रम मिला है। लिख दोगे एकदम क्वेश्चन में एकदम, तो पूरा लिखना, इसमें कुछ कटने वटने वाला बात नहीं है, पूरा लिखोगे तो दो लाइन रहेगा एग्जाम में याद, वैसे ही सब ने पूछना चाहिए। अब देखो इतना चीज बता दिए, क्वेश्चन एग्जाम आता है ना, सिर्फ ये जो पहला पेज पढ़ा था नहीं बोला पेज क्या, प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्या होती है और उसका फोटो सहित क्या करें, व्याख्या करें, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ई पेज का और कोई जरूरत पड़ेगा कभी नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए पड़ेगा, आगे की चीज़ को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, अभी समझ याद करना पड़ा, ये इन्हें बता दें बहुत चीज़ याद करना पड़ता और इस पर आगे काफ़ी चीज़ समझेंगे, इसीलिए वो लिखा रहे तो नहीं लिखते उसको। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो अभी एक प्रिज्म लिया ना, दो को प्रिज्म ले लो, है ना। देखो जैसे ये दो को प्रिज्म है, या क्या को प्रिज्म में है, दो को प्रिज्म में है, एक प्रिज्म से गुजारते हो प्रकाश, क्या प्रिज्म से, एक प्रिज्म से गुजारते हो, इसका फोटो भी नहीं बनाएंगे, तो बुक्स के पास से बनाना, कुछ काम देंगे खुद से करने के लिए, ताकि कम तो मैं ज़्यादा कवर पाए सिलेबस। एक प्रिज्म से जब प्रकाश, वैसे अगली बार फिर मैं सब लिखा होगा, जब एक प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं कितने कलर में टूटती है, सात कलर में टूटती है, और उसी को बगल में एक प्रिज्म क्या करेंगे हम लोग, फिर रख देंगे, तो फिर रख देंगे तो फिर एक व्हाइट लाइट मिलेगा, वैसे जैसा लाइट पहले था क्या होंगी, वैसे लाइट फिर मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना, और वही फोटो यहाँ बना है, श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश इससे भेजेंगे, एक प्रिज्म से होंगे दो भाग में बटेंगे, और फिर इससे होकर के श्वेत प्रकाश क्या होंगे, मिल जाएंगे। जैसे देखो एक प्रिज्म यहाँ लिया, एक प्रिज्म लिया यहाँ से, है ना, और यहाँ पर क्या किया, दूसरा प्रिज्म को खड़ा कर दिया, दूसरा प्रिज्म यहाँ रख दिया, है ना, दूसरा प्रिज्म क्या किए, यहाँ से लाइट भेजेंगे, फिर प्रकाश गया ऐसे, कुछ इस प्रकार से एंगल विचलन होंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से होंगे एंगल विचलन, और ये लाइट यहाँ तक आएंगे, दोनों क्या होंगे, लाइट ऐसे लाइट आएंगे, लाइट क्या हो रही है, जा रही है, अब प्रिज्म से जाएंगे ना, तो प्रिज्म से क्या होंगे, लाइट हाँ एक जगह जाकर मिलेगा, ऐसे जाकर मिलती है लाइट, समझ में आ रहा है ना, और फिर क्या होंगे, वो ऐसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पर्दा पर देखोगे ये पर कैसा मिलेगा, श्वेत प्रकाश मिलेगा, बना दिया फिगर, पहले भी कैसा था, श्वेत प्रकाश, अब भी कैसा प्रकाश मिलेगा, श्वेत प्रकाश मिलेगा। एक प्रिज्म में सात कलर टूट जाती है, और दो को प्रिज्म मिलेंगे, फिर दोनों आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे, यानी कि फिर क्या मिलेंगे, श्वेत प्रकाश मिलेंगे, यानी कि श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, जब इसके अवयवी रंग फिर मिल जाएंगे तो कैसा प्रकाश मिलेंगे, श्वेत प्रकाश मिलेंगे। समझ में आ गया ना बात। चलो तो ये था ये सब वाला बात। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज़, इंद्र भगवान के धनुष, यानी कि इंद्र धनुष, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, इंद्र धनुष पढ़ेंगे। इसको हटाओ, इसका कुछ भी काम नहीं है, जरूरी पड़ेगा फिर मांग लेंगे हम। इंद्र धनुष, इंद्र धनुष, रेनबो, कौन चीज़, रेनबो, इंद्र धनुष होता है। इंद्र धनुष क्या होती है देखते हैं, वर्षा के पश्चात जब क्या होंगे, वर्षा होंगे, जब वर्षा होती है तो वर्षा का छोटा छोटा बूंद आकाश में क्या होते हैं, लटके रहते हैं। वर्षा के पश्चात, वर्षा जब हो जाता है ना, तो वर्षा की छोटी छोटी बूंद आकाश में क्या होती है, लटकी रहती, दिखता नहीं लेकिन लटका, छोटा छोटा बूंद लटका हुआ है, और वो उससे जब प्रकाश गुजरती है तो वो कांच की तरह बिहेव करेगा, किसके तरह बिहेव करेगा, कांच की तरह, और उससे क्या होती है, एक बार डायग्राम दिखाते हैं और तुरंत ख़त्म कर रहे हैं सिलेबस को, है ना, ख़त्म है प्रिज्म, और पढ़ना मन है प्रिज्म, पढ़ोगे बोलो, हमारे बारे में कुछ विशेष सोचेंगे तो। ये सनलाइट है ना, हवा में क्या लटका हुआ है, वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद हवा में लटका हुआ है ना, वर्षा की बूंद लटका हुआ है, जैसे कांच की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कांच की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें से क्या क्या होती है हम बताते हैं,
इतना देर लगता है पढ़ाने में, तो हम बहुत बुझो तो एक तरह से उनको बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं तब, नहीं तो कब का खींच खाच कम एक रंग कर देते हैं सिलेबस को। समझ में आ गया ना? इसमें देखो ये सन है और ये क्या है, वर्षा की बूंद है, लाइट गया और ये कांच की तरह बिहेव करती है। इसकी तरह बिहेव करेंगे कांच की तरह, जैसे प्रवेश करेगा सात रंगों में क्या होंगे, यहाँ से फिर कुछ पार्ट चले जाते हैं, कुछ आर पार चले जाएंगे, लेकिन कुछ प्रकाश का भाग क्या होते हैं, यहाँ से टकराएंगे फिर क्या होंगे, लौट जाएंगे। सात यहाँ सात कलर में बेटा, सात कलर में क्या हुआ बटा, सातों कलर टकराया और फिर सातों कलर क्या होंगे, वापस आएंगे और फिर यहाँ से इस प्रकार से। ये है पंचोखा देखने का तरीका। ऐसे में क्या दिखा देते हैं, पंचोखा यानी कि वर्षा का मालिक कौन होता है, इंद्र भगवान है ना, इसीलिए कहते हो इंद्र का धनुष। किसकी तरह दिखता है वो इंद्र धनुष, धनुष ऐसे होता है ना, ऐसे रहते हैं ना, वर्षा का मालिक कौन है, इंद्र भगवान, और कैसा दिखता है वो, धनुष जैसा, इसीलिए कहते हो इंद्र धनुष, इसलिए क्या कहते हैं उसको, इंद्र धनुष। समझ में आया? अब रहेगा ना, इंद्र धनुष कहाँ बनता है, आकाश में, क्योंकि इंद्र भगवान तो वहीं रहते हैं ना, इसीलिए। तो ये इंद्र धनुष है, ये कब बनेंगे, बारिश होंगे तब की बारिश, बिना बारिशों का बारिश होंगे तब, क्योंकि बरसात से बूंद कहीं प्रकाश गुजरती है, बारिश होगा क्या होगा तब ये बनेगा। तो एक इंद्र धनुष के बारे में पढ़ते हैं, ये वर्षा की बूंदे हैं, ये वर्षा की क्या है, बूंदे हैं, और यहाँ से लाइट आती है, ऐसे श्वेत प्रकाश इसमें क्या होंगे, ऐसे आएंगे, श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या होंगे, आएंगे, सूर्य का प्रकाश क्या होंगे, सूर्य का प्रकाश इससे होकर के आएंगे। अब जैसे सूर्य प्रकाश इसमें होकर आते हैं, है ना, सूर्य प्रकाश आते हैं, कितने रंगम टूट जाएंगे, ये सात रंगम टूट जाएंगे, है ना, ये कितने रंगम टूट जाएंगे, सात रंगम टूट जाएंगे। तो यहाँ से सात कलर दिखाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, सात कलर दिखाना मुश्किल है, जगह कम है ना, इसीलिए हाँ उसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। पूरे भेजल है सर जी, हाँ पूरे भेजल है, कौन चीज पूरा जितना देख रहे हैं, हाँ तो तब ग्रुप में सब डाल दिए हैं, ग्रुप में जुड़े हो तुम, हाँ तो वहाँ से देख लेना है ना, देखा था 40-50 हाँ देखो यहाँ से देखो क्या होती है, क्या ऐसे लाइट आएगी, ऐसे एक 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 रे को दिखा रहे हैं और उसे लाइट ऐसे जाती है, समझ रहे हो ना, और यहाँ से फिर क्या होंगे, ये सात कलर में क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे सात कलर में, कुछ इस प्रकार से। एक्चुअली यहीं में सात कलर विभक्त जाती है, तो जगह नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड करके दिखा देते हैं। हुआ सात गो, गिनो तो क्या गो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और दे देंगे क्या हो जाएगा, सात गो हो जाएगा, पूरे गेम सात गो। एक्चुअली में ये सात कलर क्या होते हैं, यहीं पर विभक्त हो जाते हैं, कहाँ पर, जैसे प्रवेश करेगा किस चीज़ में, पानी के बूंद में, वैसे विभक्त हो जाते हैं सात कलर में। सब नहीं होता है, कुछ पार्ट इधर उधर भी चले जाते हैं, इस प्रकार से होती है, बात समझ रहे हो ना, तो श्वेत का प्रकाश है ना, इसीलिए हुआ कि यहाँ पर क्या होते हैं, हवा, यहाँ पर क्या होते हैं, हवा, और ये किसके तरह बिहेव करेंगे, पानी है, पानी की बूंद है, ये क्या है, पानी की बूंद है। अब क्या होती है, बात देखो, घटना क्या घटा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जा रहा है बिरल से, कहाँ जा रहा है, सघन, तो बिरल से सघन जाते हैं तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होंगे, झुक जाएगी, यहाँ पर खींचेगा नहीं से अभिलंब, ये अभिलंब जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, झुका अभिलंब, समझ में आया, बिरल से सघन अभिलंब झुका, अब यहाँ से गया, तो यहाँ से टकरा करके फिर क्या होते हैं वो, लौट जाते हैं, ऐसे जाएगी ना, फिर लौट जाती है, अब फिर सघन किधर जा रहा है, अभिलंब से क्या होंगे, इस पर लंब खींचोगे ना, इसे ऐसे अभिलंब खींचोगे, लाइट जाना चाहिए कैसे, सीधे जाना चाहिए, तो अभिलंब से उससे थोड़ा सा क्या होंगे, इस प्रकार से अभिलंब से दूर भाग गया, समझने का प्रयास करना, इस प्रकार से कुछ होती है ना। तो इसमें क्या होती है, इस प्रकार से सबसे ऊपर जो होता है उधर होता है रेड, क्या होता है, प्रिज्म की तरह, सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट, बैगनी होता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ प्रकाश का क्या होंगे, अपवर्तन होंगे, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करते उसे प्रकाश क्या कहते हो, अपवर्तन। तो प्रकाश जब वर्षा से गुजरेगा तो सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन, क्या होंगे, अरे अपवर्तन मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करना, प्रकाश क्या कहलाता है, अपवर्तन। देखो यहाँ जितना प्रकाश गया सब क्या हुआ, लौट गया, तो यहाँ कहेंगे यहाँ पर हुआ पूर्णांतरिक परावर्तन, पढ़े हो ना,
क्या होती है? प्रकाश का अपने माध्यम लौटाना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ क्या घटना घट रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ से फिर वो प्रकाश एक माध्यम से किस माध्यम में गया? दूसरे माध्यम में। तो यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ फिर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो यही जो सात कलर जो निकला है, इसी से रेनबो दिखाई देता है, इंद्र भगवान का धनुष दिखाई देता है इसी सात कलर से, उसका आकार इससे। हाँ, तो बहुत सारा होती है, इसीलिए एक एक बिंद वर्षा में है, कोनो सब मिल करके कंबाइन इफेक्ट के कारण वो इन धनुष कलर दिखने लगता है। समझ में आ गया ना? नेचुरल इफेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे देख, देखो अब बता इसमें क्या हुआ? इसमें प्रकाश का भी वर्ण विक्षेपण हुआ है। इसमें प्रकाश का क्या हुआ है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का अपने रंगों में क्या होना, टूट जाना, उसी क्या कहते हो? प्रकाश का क्या कहते हो? वर्ण विक्षेपण। लाल पन्ने बनेचा है ना, वर्षा की बूंदे है, इस प्रकार से है। मतलब रंग न बोले, वर्ण मतलब होता है रंग। तो इसमें क्या क्या हुआ? प्रकाश का क्या हुआ? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा पूरी लौट गया। हाँ, इंद्रधनुष जब उगता है ना, तो सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है। किस दिशा में उगेगा? 12 बजे कभी इंद्रधनुष उगती नहीं है, कारण बताएंगे बाद में। अभी जान लो ऐसा होती है, दो चार बात देखो, याद रखो। सूर्य जब वर्षा पड़ेगा, वर्षा के बूंद आकाश में होंगे इंद्रधनुष, तो भी तभी उगेंगे। बिना बारिश के इंद्रधनुष नहीं बनते हैं, समझ में आ गया ना? दूसरा बात क्या है, सूर्य इधर रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में क्या बनेंगे? इंद्रधनुष बनेंगे। समझ में आ गया ना? सबसे ऊपर कौन रंग होते हैं? लाल। सबसे नीचे बैगनी। बैगनी। इंद्रधनुष में होता है दो प्रकार का, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष। एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ये क्या होते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष। उसमें जो होती है द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में इसको आप उल्टा दो तो वायलेट क्या हो जाएगा? वायलेट क्या हो जाएगा? ऊपर, और रेड किधर हो जाएगा? नीचा। ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो आप सुन लो, एग्जाम कैसे लिखेंगे, दिमाग में आ गया ना? वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या इंद्रधनुष हम बनाते हैं? नहीं, नहीं। ये इंद्रधनुष क्या होते हैं? मतलब ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वहाँ अलग से पर्दा उर्दा हम लोग नहीं लगाएं, खुद बना है। ये कैसा है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक के मानव निर्मित, प्रकृति आदमी थोड़ी तक बनाता है, अपने बनती है ना। ये प्राकृतिक क्या है? स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक क्या है? स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण स्कैटरिंग का परिणाम है। बताएंगे क्या होती है, अभी छोड़ दो ही। वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के क्या हुआ है? अपवर्तन। उसके बाद क्या हुआ है? पूर्णांतरिक परावर्तन है ना। उसके पश्चात डिस्पर्स हुआ है, विक्षेपित हुआ है, होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। विक्षेप मतलब डिस्पर्शन हुआ है ना, ठीक है। ये सब घटना होती है, इसके कारण क्या होती है? इंद्रधनुष बनती है। समझ में आ गया ना? जो बात मैंने बताया ना, वही सब बात यहाँ लिखा हुआ है। अब इंद्रधनुष कंप्लीट हुआ। कुछ पूछना चाहते हो इसमें? हालांकि और भी बात होती है, तो सुनो। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इंद्रधनुष बारे में, बताए किसी को? कौन सी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष पर? एनसीईआर में लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे आंसर उसका दे देंगे हम। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं नहीं दिया है? हाँ, तू ठीक कहा, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और ये पूरा किसके दिए हैं इंद्रधनुष बारे में, सुनो। है ना, क्वेश्चन आएंगे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं व्याख्या करें, कैसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, नोट के सब लिखा हुआ है। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं व्याख्या करें, जवाब देंगे।
कि जब बारिश होती है, जब क्या होती है, बारिश होती है, तो वर्षा के कुछ बूंद हवा में लटके रहते हैं, हवा बादल में नहीं, हवा में क्या होती है, लटके होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंख से दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश उस पर पड़ेगी, किस पर, वर्षा की छोटी छोटी बूंदों पर, वो जो वर्षा के छोटी छोटी बूंद है वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रिज्म की तरह व्यवहार करेंगे। जब उससे लाइट जाती है तो पहले लाइट का क्या होगा, अपवर्तन। यहाँ देखो अपवर्तन हुआ है ना, लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन हुआ है ना, यहाँ पर हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या हुआ है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण है ना। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो पहले प्रकाश क्या होती है, अपवर्तन, अपवर्तन होती है, पानी बूंद में प्रवेश करेगी, फिर प्रकाश का होती है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का अपने अभिरंगों में टूटना। उसके बाद प्रकाश का क्या होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन, और फिर प्रकाश वर्षा की बूंद से हवा में क्या होती है, निकल जाती है, तो हमको अपने सात रंगों में वो टूटी हुई दिखाई देती है, और वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होती है। इसी क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में ललका होगा ऊपर और वायलेट होगा नीचे, रेड लाल ऊपर और बैगनी नीचा, और द्वितीयक इंद्रधनुष में वायलेट होंगे ऊपर, रेड होंगे नीचा। कैसे लिखेंगे समझ में आ गया ना, शायद नोट्स में जो होंगे ना सारा चीज सिस्टमेटिक रूप से लिखवाए हैं, तो थोड़ा सा यदि नोट्स से लिख लेते हो तो फायदा काफी होगा तुमको। और मानव नेत्र करके भेजा है हमने, तो उसमें जो होंगे ये सारे बात होंगे, और इंद्रधनुष इसी के साथ कंप्लीट हुआ। इतना ही जानकारी है इंद्रधनुष के बारे में, है ना। जैसे तू प्रिज्म पढ़ा, देखो इसमें सब लिखा हुआ है ना, प्रिज्म पढ़ा, तो प्रिज्म के बारे में सब चीज़ है ना, डायग्राम सही देखो बनाया हुआ है, डायग्राम एकदम सिस्टमेटिक रूप से सारा चीज़ मैंने बनवाया है। वो जो कल बोले थे किताब लिखना, देखो वो लिखल है, लिखल नेत्रदान करने वाला व्यक्ति मधुमेह लिखल है ना, एड्स वाला सब चीज़ एवं प्रकार का सब चीज़ सामना बैठ करके तब लिखवाए हैं, देख लो है ना, विचलन कोण प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म का कोण क्या होती है, सबका प्रकाश के बारे में अपन लिखा है डिफिनेशन यहाँ पर, जितना बात मैंने कहा है ना, देखो पर्दा लिखा है, सब कलर दिखाया गया है ना, सब चीज़ इसमें, फिर सबका अलग कलर, कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ये तो क्वेश्चन छूट गया तुमको। तो वेवलेंथ कितना होता है ना, बैगनिक होता है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। देखो वेवलेंथ को नापा जाता है एंगस्ट्रम में, किसे नापेंगे, एंगस्ट्रम में। वेवलेंथ को किसमें मेजरमेंट किया जाता है, एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर, कितना मीटर होता है एंगस्ट्रम बराबर, 10^-10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर, है ना। नहीं लिखेंगे, इतना लिखा हुआ लिख लेगा उससे सबका नहीं लिखेंगे, बैठ के फालतू काम करेंगे। अब देखो इसमें जो होती है ना, सारा चीज मैंने बता दिया है, कुछ चीज़ सुन लो। जब एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम वह मात्रक है जिसके द्वारा प्रकाश की विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य वालों मापा जाता है। एंगस्ट्रम क्या एक प्रकार का मात्रक है, जिसके प्रकाश के अलग अलग रंग का क्या नापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर। एंगस्ट्रम को संकेत में 1^0 देकर ऐसे लिखा जाए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10^-10 मीटर, ये ना। तो अलग अलग प्रकाश के, जैसे कि बैगनी का तरंग वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रम, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया है इतना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, होती है एक हर्ट्ज, इसका मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी, मात्रक क्या होता है हर्ट्ज आवृत्ति का, इसका दिया है तरंग, इसका दिया है फ्रीक्वेंसी। सब ना याद करना, एक रेट लेना बैगनी का, एक रेट लेना लाल का, बाकी मत करो याद, बात समझ में आ गया ना। लिखा हुआ नोट्स बढ़िया से अच्छे से लिखवाया है, नोट्स लिख लो और सब चीज़ हम समझा देते, क्योंकि उतना टाइम अब नहीं है। तो ये लिखा हुआ है सब कलर का, वायलेट का, जामुनी का, पूरे अच्छे तरीका से इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, उसका वेवलेंथ आवृत्ति टेबल बने हुए हैं अच्छे तरीका से। एंगस्ट्रम बारे में भी लिखा हुआ है, संक्षेप में भी वो चीज़ कही दिया है, और जो चीज़ मैंने बताया है सब बातें लिखा हुआ है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करिए, जो मैंने बताया था ना सब बात, उसी को सिस्टमेटिक रूप से अच्छे लैंग्वेज में लिखे गए हैं। प्रिज्म द्वारा वर्ण की घटना क्यों होती है, मैंने वो जो तहरीर पढ़ा था ना किताब में, उसको उस लैंग्वेज को छांट करके अच्छे लैंग्वेज यहाँ लिखाए गए हैं। पढ़ लोगे, नोट्स बना लेना, सब चीज़ हो चुका है,
है ना। वर्णपट के सबसे ऊपरी किनारे पर लाल रंग और सबसे नीचे किनारे बैंगनी रंग क्यों होते हैं, मैंने बता दिया। कहता है स्पेक्ट्रम जो है, सुनो, स्पेक्ट्रम सबसे ऊपर ललका और सबसे नीचा बैंगनी क्यों होती है। लाल रंग का प्रतरंग सबसे क्या होता है और बैंगनी रंग का प्रतरंग सबसे क्या, सॉरी, लाल रंग का प्रतरंग सबसे कम और बैंगनी का प्रतरंग सबसे अधिक। अतः लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैंगनी विचलन सबसे अधिक। अतः वर्णपट के सबसे ऊपरी भाग में लाल और सबसे निचले भाग में, नहीं समझ में आ गया, याद करने में दिक्कत होगा, एकदम लिखे हुए हैं सारा चीज, उस डायग्राम लेकिन नहीं लिखा हुआ है। साधारणतया स्पेक्ट्रम के सात रंग अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? साधारणतया तो सामान्य स्थिति में प्रिज्म पर सब लिखे होंगे, यहाँ पर देखो ना लिखे हुए, सब चीज़ लिखवा है, नोट टेंशन नहीं लो, उसमें सब लिखा हुआ है, तू लिखना पीडीएफ से आ चाहे कॉपी से लेकर के, उसमें लिखना संकेत वाला कॉपी लेकर के। देखो साधारणतया स्पेक्ट्रम के सात रंग अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? मतलब जनरली जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं सात रंग क्यों अलग अलग दिखाई पड़ता है, उसी में क्यों दिखाई पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो सामान्य स्थिति में जनरल कंडीशन में प्रिज्म पर अनेक किरणें आतीत होती है, बहुत सारा किरण आएगा, तो अनेक किरण आने से प्रत्येक किरण का अलग अलग बनेगा स्पेक्ट्रम, प्रत्येक किरण के क्या बनेंगे, अलग 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 स्पेक्ट्रम बनते हैं। ये स्पेक्ट्रम एक दूसरे को आंशिक रूप से क्या करेंगे, आधा सीधा एक दूसरे क्या करेगा, ढक लेगा, झांप लेगा। इस कारण से सामान्य स्थिति में बने स्पेक्ट्रमों के सात रंग स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, अलग ढिरके लाइट मारे हो मान लो उस पर, समाज स्क्रीन पर अनेक किरण, बहुत सारा किरण आपतित हुआ है, एगो किरण होगा तभी बढ़िया से देख लोगे, बहुत सारा किरण दिए हो, एक दूसरे से क्या करेगा, झप लेगा, तो ठीक से दिखाई नहीं देगा तुमको, बात समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यहाँ तक हो चुका है। आगे चलो, फिर लिखा है एंगस्ट्रम बारे में जो अभी पढ़ा है, समझ में आ गया ना। अच्छा, दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्ध्य, मतलब जो क्षेत्र दिखता है हमको सिर्फ सात कलर ही दिखता है, बैजानी पिनाला ही सिर्फ दिखता है, और कोई कलर हमको दिखता नहीं है। तो दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्ध्य, दृश्य क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र दिखता है उसका वेवलेंथ क्या होती है, उसका वेवलेंथ 7500 से कितना होगा, 4000। ललका होता है 7500 एंगस्ट्रम और बैंगनी होगा 4000 एंगस्ट्रम। दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 7500 होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 4000 होता है। ये बात सब उसमें पीडीएफ में सब चीज़ लिखे हुए हैं, सिस्टमेटिक रूप से लिखे हुए हैं ना, देखो लिखा है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 5900 और वैसे लाल रंग होते हैं 7500, लेकिन कई जगह तुमको लाल रंग का कितना मिल जाएंगे, 5900, कई जगह 7800 भी लिखा रहता है, दिक्कत नहीं है, अलग 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 होंगे, लेकिन 7500 इज स्टैंडर्ड डाटा, समझ में आ गया ना। और बैगनी का होता है 4300 मिलेगा तुमको, इसमें बैगनी का लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ, कहीं ये भी लिख ले मिल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया ना। अवरक्त किरण क्या होती है, पराबैंगनी किरण अभी पढ़ा था ना, नहीं बताए थे, ललका वाला से ऊपर कौन होगा, रेडमी MI तो इन्फ्रारेड होंगे। वर्णपट में स्पेक्ट्रम में कहाँ पर, वर्णपट स्पेक्ट्रम क्या होती है, सात कलर का जो रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ है उसी को वर्णपट या क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। वो वर्णपट में लाल रंग से ऊपर के क्षेत्र को कौन किरण कहते हो, अवरक्त किरण कहते हैं, या जिसका 7500 से अधिक वेवलेंथ होगा उसे क्या कहेंगे, अवरक्त, क्योंकि ऊपर देने वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे देने वेवलेंथ क्या होती है, घटती है, तो जिसका वेवलेंथ 7500 से अधिक होती है, जस्ट 7500 से अधिक, उसको कहेंगे अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका केवल ऊष्मीय प्रभाव, मतलब अवरक्त किरण कारण हमको गर्मी लगता है शरीर में, आंख पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा ना, ये बात होती है, किरण अवरक्त है, रे है। अब आगे चलो, धूप अवरक्त किरण के कारण गर्म लगता है, धूप किस कारण गर्म लगता है, क्योंकि धूप का हमारे शरीर पर कौन प्रभाव पड़ता है, ऊष्मीय प्रभाव, मतलब गर्मी लगता है। सूर्य के प्रकाश में एक तिहाई भाग लगभग कौन किरण होती है, अवरक्त किरण, एक तिहाई भाग, सोच लो कितने दिख है, तब ना गर्मी होता है, धूप में आधा घंटा पता चल जाएगा, समझ जाएगा ना। अब पढ़ते हैं पराबैंगनी किरण क्या होती है। वर्णपट में स्पेक्ट्रम में, मतलब प्रिज्म से स्पेक्ट्रम गुजरा, बैंगनी से नीचा वाला किरण को क्या कहते हो, पराबैंगनी किरण, बैंगनी से नीचा, देखो बैंगनी से नीचा पराबैंगनी, बैंगनी से जहाँ का हो तो है रहते है ना, तीन अल्ट्रावायलेट है, अरे उसी को पराबैंगनी हिंदी में कहते हैं, अल्ट्रावायलेट को, नहीं समझ में आ रहा है,
बैगनी आ नीचा पर आ बैगनी रहेगा याद और रक्त तरह जाएगा तब एगो छूटा तो लाल सुपर होगा नहीं तो लोग कन्फ्यूजन होते हैं सिर्फ रखो बैगनी को याद रखना बैगनी से नीचा पर आ बैगनी और लाल सुपर बैगनी से होगा नहीं क्योंकि बैगनी तो आ चुका है तो परा बैगनी किरण क्या होती है अल्ट्रा वायलेट रे यूवी रे इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको वर्णपट में बैगनी रंग से नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हो परा बैगनी किरण कहते हो या बैगनी का कितना एंगस्ट्रम है वेवलेंथ 4000 उससे कम क्योंकि नीचे चंद्र में वेवलेंथ क्या होती है कमती है तो 4000 एंगस्ट्रम से छोटे तरंग दैर्ध्य वाली किरण को क्या कहेंगे पराबैगनी किरण पराबैगनी किरण का आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है बीमारी होगा अलग अलग प्रकार का किसके कारण पराबैगनी किरण का इसका आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका रासायनिक प्रभाव मतलब रासायनिक प्रभाव रासायनिक प्रभाव मतलब होता है बीमारी दिखना कैसे दिखना अलग अलग प्रकार के स्किन डिजीजेज होते हैं चर्म रोग होगा इसकी वजह से बात समझ में आ गया ना ये सब बात समझ में आ गया होगा तो आगे पढ़ते हैं अब हम लोग अब अभी जितना बात लिखा है मैंने इस पर तुमको पता नहीं चलता क्या लिखा इस सब पीडीएफ में क्या है देखो लिखा लेना सब बात सब की लिखवा जितना तुमको पढ़ाते हैं ना सब बात देखो नोट देख करके अब रक्त फलना चिलना लिखा लेना सब एवं प्रकार के बात इसमें अब रक्त किरण इससे ऊपर नीचा पर अभी लिखे हुए हैं ना रंगों को देखना जो उधर पढ़ाते हैं छठ शंकु वाला वो यहाँ लिखा हुआ है ना लिखा हुआ देखो लिखे हुए हैं ना इन धनुष में पढ़ा है ना अभी तो इन धनुष में देखो लिखे हुए हैं लिखे इन धनुष इसमें सब बात हमने लिखा देखो है ना फोटो बनाएल आज फोटो किताब बनाएल है बना लोगे फोटो अभी फोटो मैंने वैसे बनेबे किया वही फोटो बना लेना क्योंकि इससे ज़्यादा कंटेंट किस फोटो में है उस फोटो में नोट होना ऐसी से लेकिन कुछ चीज़ है इससे बढ़िया तुम्हारे कभी पढ़ाया गया तो उस फिगर तुम उसके जगह पर बना दो बात समझ में आ गया ना उसके जगह उस फिगर को बना दो इतना वैसा हो चुका है ना ये सब बात पढ़ा चुके हैं अब पढ़ाएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमोस्फेरिक क्या पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसे समझ में आगे प्रिम प्रिम सब क्या है हैं क्या जी समझ में आया हाँ बहुत लाइक गुजारते हो प्रिम साथ कल तू कभी कल एक वीडियो लाएंगे खोल करके गुजार के दिखाएगा फोटो दिखा देंगे समझ में आ गया ना चलो तो अब पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन अब पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत पढ़ल लिखल हो तू जितना सोचते हैं उससे क्या हो बोलो उससे 10 पॉइंट ज़्यादा हो अरे कलम कब ला देगा सट गया है जाएगा तो ले लेना 5-6 को ले लेना आप तो भोज खाए में लाते 3 में वायुमंडलीय क्योंकि अब तो बाजार जाओगे ना रुपया हम दे देंगे कलम तुला लेना जिस दिन जाओगे एक दिन में 5 किलो तुम एट मॉस मतलब नहीं सुनो हल्ला नहीं करो जब हम बात करेंगे तो हमसे बात करो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि देखो यहाँ क्या इसको हटाओ यहाँ क्या लिखा है हटाओ अब क्या लिखा हुआ है पहले बताओ अपवर्तन मतलब होता क्या तुम बताओ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को गुजरना अपवर्तन और यही काम कहाँ होगा वायुमंडल में तो उसको क्या बोल देंगे अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन समझ में आ गया ना जब वही अपवर्तन एक माध्यम से माध्यम गुजरेगा और होगा वायुमंडल में तो हम वायुमंडल अपवर्तन कह देंगे यानी कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन क्या कहते हो वायुमंडलीय समझ में आ गया ना वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं आसानी समझ में आ गया ना लिखने से याद करना पड़ेगा नहीं ये हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ और ये लोग तो बहुत पढ़े आ गया दी तुम लोग हैं कोई दिक्कत पढ़ने का मन है अब नहीं पढ़ाएंगे कारण नहीं जानते हो अब लिंक धरेगा तो घंटा भर का लिंक फिर है लिंक टूट जाएगा ना इतना बात अभी कहेंगे ना कल फिर कहना पड़ेगा हम इसलिए छोड़ रहे हैं समझ में आ गया।